अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह गश्ती वाका बुजुर्ग गो क्या बारामुला डिस्ट्रिक एस एक्स एरिया में सदा वह स्टूडेंट यूजर रेंटस पे रोजान चोसमत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मगर दोस्तों यूजन लड़के चोसमत एम सन्ज बॉडी छामत लबने यानी कि रेंटस में मरित। मगर दोस्तों यल ती बुज एमिक वजूहत ये वजह गुमत क्या छे आखरी दलील गमस क्या छे अत पतकन क्या वजूहत ओस शाह गश्ती वायरल वीडियो क्लिप उचित पूर कश्मीर गो वस हरान वीडियो वो गो पूर कश्मीर सो वीडियो वायरल ये कर बो तुम ब्रोट कम प्ले। लेकिन दोस्तों यु वीडियो क्लिप वो अकिस इंसानस तरान कहें तो चश्मो कूश ये बोजान कि युत वाका आव सल्क कश्मीर मे पेश ये वीडियो क्लिप कर तुम ब्रोट कम प्ले मजीद गुमत क्या वुचत यह वीडियो क्लिप अम पत करो मजीद क्या जरूरी। मगर दोस्तों आज तक रिक्वेस्ट कर अगर तुम नई आम चैनल पे चैनल तो करो जरूर सब्सक्राइब ताकि नव कह अपडेट करा ये चैनल पे वातान कोशिश। इसलिए दोस्तों गोड़ करो चैनल चेक कि तुम चैनल कर्म सब्सक्राइब पे सह अपडेट तक वातान उस तुम जरूरी सान वातन गए वुचत यह ब्रोह वीडियो गुमत क्या अमे सत पत करो बेम्पॉर्टेंट क्या जरूरी बोजन। वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। इस वक्त की एक दुखद खबर से आपको आगाही देते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक जो तालिब इल्म था वहाँ पर पढ़ने गया था, अपनी तालीम हासिल करने गया था, उसकी वहाँ पर लाश देखने को मिली। हमारे साथ फोन लाइन पे शेख इमरान मौजूद है। शेख इमरान पूरी तफसील देने की कोशिश करेंगे। हमें इमरान बताए क्या कुछ है पूरी तफसील। बिल्कुल फयाज, एक दिलदोज वाकया जो अलीगढ़ के अंदर पेश आया है। 17 साल की उम्र का एक स्टूडेंट जो 12वीं जमात के अंदर पढ़ रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक स्कूल रन कर रही है सर सैयद हामिद सेकेंडरी स्कूल, वहां पर इस नौजवान को अपने ही रेंट रूम के अंदर पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। और इसकी शिनाख्त जो है फयाज अदनान अल्ताफ मगलू के नाम से हुई है, जो रहने वाला नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट का है और ये वहां पर शाहबाग लोकलिटी के अंदर अलीगढ़ में रेंट पर रह रहे थे। और एज पर जो रिपोर्ट हमारे पास आ रहे हैं कि इसकी जो फैमिली है वो इसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया है और वो भी शायद मंडे शाम तक जो है वहां अलीगढ़ पहुंच सकते हैं। और इस नौजवान की बाड़ी जो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यानी कि जेएनयू का जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर मौजूद है। और जो डॉक्टर्स ऑफिस है उन्होंने कहा कि ये मौजूद जो है एएमयू हॉस्टल के अंदर रह रहे थे फिर क्लास 11वीं तक, बट इससे वैकेट किया क्योंकि इसके कम कोर्स थे क्लास एग्जामिनेशन में और इसके कम मार्क्स होने की वजह से रूल्स जो एएमयू के हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के, तो ये वो क्वालिफाई नहीं कर पाया जिसकी वजह से ये कंटिन्यू वहां पे नहीं कर पाया था और जिसकी वजह से फिर रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ा प्रयास। और पुलिस ने कहा है कि जब जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जिस जगह पर ये रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा था, जब उसने इस मगलू के रूम में कोई भी नोटिस या कोई भी एक्टिविटी संडे यानी इतवार के आफ्टरनून तक नहीं देखी, तो उसने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जो फादर है अल्ताफ हुसैन, उसको पूछा कि आपका जो सन है पर्सनली, और जो मैं उन्होंने एक शख्स को रिपोर्ट लिख भेजा कि ये जो क्या नाम इसका ये जो ये डिसीजन है उसको वहां पर अनकॉन्शियस दिखा फ्लोर पे यानी कि पुरस्कार हालत में, तो उसे जल्दी से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां पर उसे डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड यानी कि मुर्दा करार दिया। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जब इसको लाश उठाया गया और हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर्स के मुताबिक ये अभी से 6-7 घंटे पहले ही जो है मर चुका है, मर चुका होगा या मर चुका था। और इसमें लिखा गया कि जो कुछ मेडिसिन या कुछ खाली बॉटल्स जो है इसके रूम से भी रिकवर हुए हैं और बॉडी को जो मॉर्टरी में रखा गया है और पेरेंट्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पहुंचे और पोस्टमार्टम जो है वो उसके बाद कंडक्ट किया जाए। और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए कोई ऐसा रीजन अभी नहीं बताया जा रहा। जो डिप्टी SP थर्ड है अशोक कुमार के मुताबिक मेन कारण क्या है, मेजर कारण क्या है डेथ का, उस बारे में अभी कोई भी जो रिपोर्ट है दोस्तों स्टार्ट मे पॉइंट तो क्लियर गुमत कि लड़के रेंटस में रोजान एंड दोस्तों अम पत बॉडी यह रेंटस मजी इत पे वनो मरत। लेकिन दोस्तों अम पत क्या पुलिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी आखिरी वजह कित पड़े गुमत आखिर क्या दलील अत पत्किन क्या रीजन अत मुतल क्या अपडेट कर वातान कोशिश। इसलिए दोस्तों वनकन वीडियो कौन ये एंड थोड़ी पुन ख्याल बी खुद नरान नीर वीडियो करा शेयर तो चैनल तुम तो सब्सक्राइब करा हर कह अपडेट ये चैनल पे तुम जम्मू कश्मीर वाता। चलो दोस्तों वीडियो कर ये एंड तो तुम पुन ख्याल बी खुद खुदा हाफिज।